Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodov School of Physics. In this video, I am going to discuss about Coulomb's law. Coulomb ने एक instrument बनाया जिसका नाम था torsion balance. और torsion balance की मदद से उन्होंने एक law दिया. ये law दो charge के बीच लगने वाले force को calculate करता है. ये एक experimental law है. इसका कोई theoretical proof नहीं है. इसका experimental proof है. क्योंकि ये एक instrument की मदद से बहुत सारे चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट किया गया और उससे जो पैटर्न आया है उससे ये लॉ बना है. ठीक है, ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है कि यदि दो पॉइंट चार्ज एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर हैं तो वे दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे. दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं. वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. यदि दो अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा, दो लाइक चार्ज है तो रिपल्सिव होगा. और ये फोर्स कैलकुलेट करना है तो आपको कूलम्स लॉ अप्लाई करना होगा. ये दो चार्ज Q1 और Q2 आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड है. कूलम्स कहते हैं कि इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ. यहाँ से एक इक्वेशन बनता है, उस इक्वेशन के बारे में भी आप जान लें. यहाँ से इक्वेशन बनता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अब यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा भी सकते हैं. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. के क्या है? के कांस्टेंट है. के का वैल्यू जनरली 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर लिखा जाता है. ठीक है, इस के को 1/4πε₀ भी कहा जाता है. ε₀ क्या है? ε₀ को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं. क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. लेटर इसको हम लोग काफी डिटेल में सीखने वाले हैं. ε₀ परमिटिविटी कहलाता है. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस मतलब कहने का मतलब है कि जैसे वैक्यूम मीडियम हो गया, एयर मीडियम हो गया, ये सब फ्री स्पेस है. वाटर में फोर्स बदल जाएगा, 1/4πε₀ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर नहीं होगा. कितना होगा ये आगे हम लोग सीखेंगे. तो ε₀ क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है? 8.85×10⁻¹2 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये परमिटिविटी का वैल्यू है. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू है, ε₀ का वैल्यू है. ओके, तो कांस्टेंट का भी पता चल गया, परमिटिविटी का भी पता चल गया. जैसे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. दो चार्ज के बीच मिनिमम फोर्स कैलकुलेट कीजिए. कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल. ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. क्वेश्चन है दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच में मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करना है जो कि 1 मीटर पर सेपरेटेड है. अच्छा, फोर्स मिनिमम, फोर्स क्या होता है? 1/4πε₀ Q1 Q2 by R स्क्वायर होता है. 1/4πε₀ हो गया 9×10⁻¹. डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर. तो ये 1 का स्क्वायर हो गया. Q1 Q2, जब Q1 और Q2 मिनिमम हो गया होगा तभी तो फोर्स मिनिमम होगा ना. यहाँ पे फोर्स मिनिमम होने के लिए क्या मिनिमम होना चाहिए? Q1 और Q2 का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए. और Q1 और Q2 कितना मिनिमम, मिनिमम कितना हो सकता है? तो मिनिमम Q1 = Q2 दैट इज इक्वल टू 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब हो सकता है. किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो मिनिमम चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा. तो ये हो सकता है. यदि हम पुट कर दें तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा. तो फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9×10⁻¹⁹ × 1.6×10⁻¹⁹ का स्क्वायर. तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 9×2.56×10⁻¹⁹ + 9. तो ये कितना आ गया? −38 आ जाएगा, −9. तो ये −29 के अप्रोक्सीमेट आएगा. ओके, ऐसा कुछ होता है. तो फोर्स ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं.
एक और पॉइंट है, जैसे मान लीजिए दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, इसको एक फिक्स चार्ज से तोड़ के बनाया गया है, ओके, दो चार्ज Q1 और Q2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेते हैं, दो चार्ज है Q1 और Q2, इसको एक चार्ज से तोड़ करके बनाया गया है और इसको रखा गया है एक फिक्स डिस्टेंस पे, एक आर डिस्टेंस पे इसको रखा गया है। यहाँ पे Q1 रखा गया है, Q2 रखा गया है और कहा जा रहा है कि इस पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, और मैक्सिमम फोर्स जब होगा तब Q1 और Q2 का वैल्यू Q के टर्म में बताना है, ठीक है। Q1 और Q2 को कितने डिस्टेंस पे रखा गया, आठ डिस्टेंस पे रखा गया है। कहा जा रहा है कि Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, और जब इसके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगेगा उस समय Q1 और Q2 का वैल्यू Q के टर्म में क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो फिक्स है ना, तो फोर्स किस पे डिपेंड किया, Q1 और Q2 पे, ठीक है। फोर्स किस पे डिपेंड किया, Q1 और Q2 पे। यदि इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो फिर फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। यदि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझिए, कोई नंबर है 10, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, एक को दो में ब्रेक किए, एक को आठ में ब्रेक किए, तो कितना आ गया, 16 आ गया मल्टीप्लिकेशन। यदि तीन और सात में ब्रेक करते हैं तो कितना आ गया, 21। यदि 5 और 5 में ब्रेक करते हैं तो 25, यही ना मैक्सिमम है। तो जब दो चार्ज बराबर बराबर टूटता है तो उसके प्रोडक्ट मैक्सिमम होंगे, फोर्स इसके बीच में मैक्सिमम लगेगा। तो Q1 और Q2 क्या हो गया, बराबर होगा। तो Q1 और Q2 बराबर होगा तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे Q1 और Q2 को बराबर कर दीजिए तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, Q²/4 आ जाएगा ना प्रोपोर्शनल टू। तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, के Q²/4R², दिस इज द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो इस तरीके से कुछ आसान क्वेश्चन जो कूलम्स लॉ से रिलेटेड थे वे सब आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ, देखिए एक और पॉइंट क्या है कि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। कूलम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज, एंड कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज नो एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा तब कूलम्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, जब चार्ज मोशन में रहता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगता है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में जो फोर्स कैलकुलेट किया जाता है वो तब अप्लीकेबल होगा जब चार्ज क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या होगा, देयर इज नो एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो ये दो पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पे एक बात आती है, ठीक है, पहला बात तो आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव मोशन यदि होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा और दोनों चार्ज एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे कूलम्स लॉ से नेट फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आप, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, ठीक है, ओके। लेकिन पहला सेकेंड जो पॉइंट है कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए, मान लेते हैं कि पॉइंट चार्ज नहीं है तो क्या होगा, देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये दो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसके बीच का सेपरेशन आर दिया हुआ है, इस पे आपने Q1 चार्ज दिया, इस पे आपने Q2 चार्ज दिया, दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और इसके सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, r, ठीक है। यदि ये दोनों पॉइंट चार्ज होता, यदि ये दोनों क्या होता, पॉइंट चार्ज होता और r डिस्टेंस पे इक्वली डिस्टेंस पे रखा जाता तो कितना फोर्स लगता, फोर्स लगता k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर लगता है ना, फोर्स कितना लगता, k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, इसको F0 कर देते हैं, ठीक है। जब आपने इसको Q1 चार्ज दिया, इस पे Q2 चार्ज दिया, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अब क्या होगा, क्योंकि कंडक्टर है, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट था ये साइज में बड़ा था रिलेटिव डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो अब यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैंने आपको इंडक्शन में एक बात बताई थी,
ये बताई थी कि जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसके बगल में आप एक चार्ज रख देते हैं तो इसके फ्रंट सरफेस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके बैक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऐसा होता है कुछ, ठीक है। और इस तरीके से ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इस चार्ज पार्टिकल के कारण से अट्रैक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ मैंने इंडक्शन में बताया था। अब ये बात समझिए कि जैसे मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज आपने ऑब्जेक्ट को दिया, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अपोजिट फेस पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा और फ्रंट फेस पे कम होगा। ऐसे ही इस पे भी होगा, फ्रंट फेस पे कम होगा और अपोजिट फेस पे चार्ज का जो डेंसिटी होगा ये बहुत ज़्यादा होगा। इस कारण से चार्ज जो कि दूर चला गया, एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसके बीच में मान लेते हैं कि F1 फोर्स लग रहा होगा, तो ये F1 का वैल्यू जो होगा इस F0 से क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज का डिस्टेंस बढ़ गया और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घटता है, तो ये जो F1 होगा निश्चित तौर पे इस F0 से कम होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि F1 लेस देन F0, लेकिन कितना होगा ये पता नहीं चल जाएगा, क्योंकि कूलम्स लॉ ओनली अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज व्हेन चार्ज इज कन्फाइंड इन ए स्मॉल वॉल्यूम। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज इज कन्फाइंड इन स्मॉल वॉल्यूम। ओके, दूसरी बात करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि यदि एक पे पॉजिटिव दिया जाए दूसरे पे निगेटिव दिया जाए तो क्या होगा। मान लीजिए एक पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया इस पे और इस पे आपने निगेटिव चार्ज दिया, तो फ्रंट सरफेस पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फ्रंट सरफेस पे क्या होगा, चार्ज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और बैक सरफेस पे चार्ज का डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स होगा निश्चित तौर पे बड़ा होगा किससे, F0 से। मान लेते हैं ये F2 है, तो F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो F0 से बड़ा होगा। तो फोर्स को आप डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। चार्ज ऑब्जेक्ट के कारण क्या होता है, समझ में आया, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जिस कारण से फोर्स घट बढ़ सकता है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव है तो बढ़ जाता है फोर्स, यदि दोनों लाइक चार्ज दिया है दोनों पे निगेटिव या दोनों पे पॉजिटिव, उस केस में फोर्स का जो वैल्यू है जो पॉइंट चार्ज होता तो होता जो होता उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, F0 से कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बताना था इसमें, ठीक है। तो इसको यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सजाइएगा तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, F2, उसके बाद F0, उससे कम किस पे आ गया, F1 पे आ गया, कुछ ऐसा होगा। इस पे Q1 चार्ज दिया गया था, इस पे -Q2 चार्ज दिया गया था, कुछ ऐसा होगा। अगले वीडियो में कूलम्स लॉ में कुछ और भी हम लोग पॉइंट सीखेंगे। थैंक यू।